यहाँ उपस्थित मेरे सभी बहादुर जवानों और रेजिंगला के हमारे सारे बहादुर सैनिकों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का मैं शीश झुकाकर अभिनंदन करना चाहता हूँ मेरे बहादुर जवानों को, और जिन्होंने इस ये मेमोरियल का निर्माण किया है। मैं लंबा भाषण करने के लिए यहाँ पर खबर नहीं हुआ, मैं जून के महीने में लेह में आया था, उसी समय जब इस मेमोरियल के बारे में मुझे जानकारी मिली थी कि वहां पर कुछ निर्माण होना चाहिए, भव्य निर्माण होना चाहिए, उसी समय मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी और मैंने कहा था इसका निर्माण प्रारंभ किया जाना चाहिए, धन की कोई कमी नहीं आने पाएगी। आगे लेफ्टिनेंट गवर्नर लेह लद्दाख ने भी इसमें कुछ मदद की है, हमारी आर्मी की तरफ से हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और हमारे ये जनरल वाई के जोशी और पीजी के मेनन सारे लोगों ने इसमें पूरी तरह से मदद की है और जाकर यह भव्य यहां पर मेमोरियल यह तैयार हुआ है। सचमुच आज जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से यहां देखा है, मेरी आंखें भर आई हैं। हमारे कैसे 114 वीर जवानों ने अपनी शहादत देकर इस सीमा की रक्षा की है, भारत के मान सम्मान स्वाभिमान को उन्होंने बताया है। मैं तो कहना चाहता हूं केवल वह बहादुर सैनिक ही नहीं थे, बल्कि वह एक आध्यात्मिक पुरुष थे। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों का आश्चर्य होगा, शहादत देने वालों को आप आध्यात्मिक पुरुष स्पिरिचुअल मैन के रूप में कहते आप परिभाषित कर रहे हैं। इसलिए कहना चाहता हूं, शहादत देश के लिए वही दे सकता है जिसका मन बड़ा होगा। छोटे मन का व्यक्ति कभी शहादत नहीं दे सकता है, और जिसका मन छोटा होता है वह कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता है, जिसका मन बड़ा होता है वही आध्यात्मिक हो सकता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं जिन बहादुर सैनिकों ने अपनी शहादत दी है, और बहादुर तो हैं ही, देश पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले तो हैं ही, और साथ ही साथ वह आध्यात्मिक पुरुष हैं, किसी ऋषि और मुनि से हमारे लिए वह कम नहीं है। मैं उनकी स्मृति को एक बार मैं शीश झुकाकर अपनी तरफ से पुनः मैं नमन करना चाहता हूं। मैं तो सचमुच आज चाहता था कि सारे लोगों के नाम को मैं अपनी जुबान से लेकर अपनी जुबान को मैं सार्थक कर, और शायद वो सूची इस समय यहां पर आ नहीं पाई है, लेकिन वहां उनके सामने नामों को मैंने पढ़ा है, देखा है कि वो इस मेमोरियल में बने हुए, और 114 लोगों ने 1200 से अधिक चीनी जवानों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की। यह कोई छोटी शहादत नहीं है, और मैं ये कहना चाहता हूं मैं केवल इस साल नहीं आया हूं, जब तक भारत का रक्षा मंत्री रहूंगा तब तक मैं आता रहूंगा यहां पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। सचमुच श्रद्धांजलि करने वाला तो स्वयं अपने को धन्य महसूस करेगा, और मेरा विश्वास मेरा हौसला और अधिक बढ़ा है। दुनिया की कोई ताकत भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखेगी तो उसका मुखतोड़ जवाब देने की कुवत यदि किसी के अंदर है तो हम भारतवासियों के अंदर है। हमें अपने सेना के जवानों पर फक्र है, अपने सेना के जवानों पर पूरा भरोसा है। भारत का चरित्र रहा है कि हम लोगों ने दुनिया के किसी देश पर ना तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की एक इंच जमीन पर हमने कभी कब्जा किया है, लेकिन यदि कुछ हुआ होगा तो हुआ होगा, लेकिन भारत अब कमजोर भारत नहीं है, भारत भी अब ताकतवर भारत बन चुका है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के रूप में हमें एक सशक्त नेतृत्व भी इस भारत को प्राप्त हुआ है। बहनों भाइयों, जब भी सेना के जवानों के संबंध में बात होती है तो सचमुच उनके भी यदि मन के भाव को मैं देखता हूं तो हमारा हौसला तो और अधिक बढ़ जाता है। यदि ऐसा सशक्त नेतृत्व है तो भारत को आंख दिखाकर कोई बच कर नहीं जा सकता। जिस हद तक होगा हम लड़ेंगे और भारत की एक एक इंची भूमि को बचाने में हम कामयाबी हासिल करेंगे। आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि बहुत अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।
और मुझे इस बात की भी जानकर खुशी हुई है कि यहां रहने वाले जो सिविलियंस हैं उन लोगों ने भी लगातार जवानों की मदद की है। मैं समझता हूं कि वह सीमा के स्ट्रेटेजिक एसेट है। मैं यहां के रहने वाले सिविलियंस का भी मैं शीश झुकाकर अभिनंदन करना चाहता हूं जिनके द्वारा समय समय पर यह सहयोग प्राप्त है। अब इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ बहुत लंबा भाषण करने का कोई औचित्य नहीं है। मैं पुनः अपने उन 114 भारतीय सेना के जवानों का मैं शीश झुकाकर अभिनंदन करता हूं, उनकी स्मृति को मैं नमन करता हूं जिन्होंने की 1200 से अधिक चीनियों को मौत के घाट उतारकर भारत की सीमा की रक्षा की। पुनः मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और उनके जो माता पिता और परिवार के लोग हैं उनके भी चरणों में मैं शीश झुकाकर मैं उन्हें प्रणाम करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने ऐसे लाल पैदा किए जिन्होंने की भारत की सीमा की सुरक्षा की है। और आज सब उस समय के सबसे आयु कई लोग आए हैं लेकिन सबसे अधिक आयु के एक ब्रिगेडियर साहब आए हैं। ब्रिगेडियर साहब से जब मेरा परिचय कराया गया तो स्वाभाविक रूप से स्वतः मेरा हाथ उनकी चरणों पर चला गया। बहनों भाइयों, उस समय की लड़ाई में वह शामिल रहे हैं, उसका नेतृत्व उन्होंने किया है स्वाभाविक रूप से। आज के अवसर पर कुछ ज्यादा न कहते हुए मैं पुनः जो भी हमारे जवान शहीद हुए हैं उनकी स्मृति को नमन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।